हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं मोटो G51 5G फ़ोन के बारे में, उसके डिटेल स्पेसिफिकेशन के बारे में, डिज़ाइन, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके कैमरा और बैटरी के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं रियल पर टेक्नोलॉजी चैनल। उसके डिज़ाइन और बिल्ड की बात करें तो इस फ़ोन की थिकनेस 9.13 mm है और इस फ़ोन का वज़न 208 ग्राम है। इस फ़ोन का जो फ्रेम है वो राउंड एजेज है, कर्व एज है और इसका फ्रेम पॉलीकार्बोनेट का है। इसका बैक भी पॉलीकार्बोनेट का है। इस फ़ोन के नीचे की तरफ जाएंगे तो 3.5 mm जैक मिल जाएगा। एक नीचे की तरफ माइक है, टाइप सी पोर्ट है और सिंगल स्पीकर है। लेफ़्ट साइड में सिम ट्रे है, हाइब्रिड सिम स्लॉट है और सिम इसमें नैनो सिम लगता है। ड्यूल सिम 5G है और 5G 12 बैंड इसमें काम करते हैं इस फ़ोन में। और अच्छी नेटवर्क के लिए 4x4 मीमो सपोर्ट भी दिया गया है फ़ोन में। ब्लूटूथ 5.1 है, ड्यूल बैंड वाईफाई, GPS, ग्लोनास, NFC। राइट साइड में पावर बटन विथ फिंगरप्रिंट स्कैनर है, वॉल्यूम बटन है और एक गूगल बटन है। ऊपर की तरफ एक सेकेंडरी माइक दिया हुआ है। इस फ़ोन में वाटर रिपेलेंट डिज़ाइन दिया है जिस तो पानी की थोड़ी मोड़ी छींटे पड़ जाए या बारिश थोड़ा मोड़ा पड़ जाए उससे इस फ़ोन को कोई प्रॉब्लम ना हो। फ़ोन के डिस्प्ले की बात करें, इस फ़ोन का डिस्प्ले 6.8 इंच फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले है। इस फ़ोन में सिंगल पंच होल है कैमरे के लिए और इस फ़ोन में प्रोटेक्शन दिया गया है NEG प्रोटेक्शन जो कि गोरिल्ला ग्लास 3 के बराबर काम करता है। और इस फ़ोन में 120Hz रिफ्रेश रेट दिया गया है डिस्प्ले में और डिस्प्ले में 240Hz का टच सैम्पलिंग रेट है। और इस फ़ोन का डिस्प्ले 20:9 एस्पेक्ट रेशियो में है। इस फ़ोन के सॉफ्टवेयर की बात करें तो इस फ़ोन में स्टॉक एंड्रॉयड दिया गया है और इसमें अभी एंड्रॉयड 11 है और इसमें एंड्रॉयड 12 का अपडेट भी मिलेगा, कंपनी ने यह दावा किया है। और इस फ़ोन में 2 बरस का सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलने वाला है और इस फ़ोन में एक थिंक शील्ड सिक्योरिटी मिलने वाला है जिसे आपके फ़ोन को किसी भी मैलवेयर से और बाहरी एक्सटर्नल थ्रेट से आपको बचाता है। इस फ़ोन की परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फ़ोन में स्नैपड्रैगन 480 प्लस दिया गया है जो इंडिया का पहला फ़ोन है जिसमें स्नैपड्रैगन 480 प्लस मिला हुआ है। और इस फ़ोन में इस प्रोसेसर का अंतुतु बेंचमार्क स्कोर 2,43,022 है और इस प्रोसेसर में GPU 690 लगा हुआ है। और इस फ़ोन का फैब्रिकेशन आर्किटेक्चर 8 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर किया गया है और इस प्रोसेसर का लगभग टक्कर 720G प्रोसेसर के साथ हो सकता है। इस प्रोसेसर में 720G प्रोसेसर से अच्छा ही GPU है। इस फ़ोन की रैम और स्टोरेज की बात की जाए तो इसमें 4GB का रैम है। जो रैम है वो LPDDR4X रैम है और स्टोरेज की बात करें तो इस फ़ोन में 64GB स्टोरेज दिया गया है और जो स्टोरेज टाइप है वो UMCP टाइप है जो UFS 2.1 से थोड़ा अच्छा है और UFS 2.2 से थोड़ा कम है। इस फ़ोन के कैमरे की बात की जाए तो इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। रियर साइड में प्राइमरी कैमरा है जो 50 मेगापिक्सल का है, इसका सेंसर है f/1.8, सेंसर टाइप सैमसंग सेंसर है। और जो इसमें सेकेंडरी कैमरा दिया गया है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड प्लस डेप्थ सेंसर है, इसका अपर्चर है f/2.2 और उसका पिक्सल साइज है 1.12 माइक्रोमीटर। और इस फ़ोन में जो टर्शियरी कैमरा है वो 2 मेगापिक्सल का है जो कि माइक्रो लेंस है और उसका अपर्चर है f/2.4। और इस फ़ोन में जो सेल्फी कैमरा दिया गया वो 30 मेगापिक्सल का विथ अपर्चर f/2.2 और उसमें पिक्सल साइज है वो 1.12 माइक्रोमीटर। इसमें रियर साइड में 1080p तक रिकॉर्ड कर लेता है 60fps पर और इसमें रियर साइड में इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन दिया गया है और फ्रंट साइड में भी 1080p 30fps रिकॉर्डिंग कर लेता है और उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन दिया गया है।
अब इस फ़ोन की बैटरी की बात करें तो इस फ़ोन में 5000 mAh की बैटरी दिया गया है और 20 वाट का चार्जर दिया गया है। वो बैटरी फुल होने में 75 से 80 मिनट लग जाते हैं। यह फ़ोन दो कलर में अवेलेबल है, एक है इंडिगो ब्लू और दूसरा है ब्राइट सिल्वर। और इस यह फ़ोन फ्लिपकार्ट अवेलेबल है, जो इसका प्राइस है वो है 14,999 रुपी। वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।